अस्सलाम वालेकुम आई टी फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी हम भी खैरियत से हैं। तो जी सुबह का वक्त, सारा काम निपटा चुकी हूँ और बस मैंने सोचा चलो आज मैं जल्दी से राज सुफियान की फरमाइश थी कि राजमा चावल बनाओ, बहुत दिनों से ज़िद कर रही था अम्मी राजमा चावल बनाओ। तो बस मैंने सोचा चलो इसकी जल्दी से मैं आपको इसकी रेसिपी भी जो है दे देती हूँ। तो जी देखिए, यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले राजमा को जो है भिगो दिया था रात में, और अच्छी तरीके से इसको जब वॉश करके उसको मैंने जो है पानी डाल के गैस पर रख दिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 तेज़पात के पत्ते, बड़ी इलायची, और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं थोड़ी सी पीली मेथी। तो बस और बस इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक। तो नमक यहाँ पर ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे हम, क्योंकि नमक हमें बाद में जब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे मसाला नमक हमें वहाँ पर भी ऐड करना है, तो 1 चम्मच यहाँ पर इनफ है। तो बस जल्दी से इसको के अंदर ढक्कन लगा देते हो, उसको जो है सीटी लगा लेते हैं, अपना राजमा जो है गला लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि रात भर का भीगा हुआ है और मैंने इसको जब रात को भिगोया था तो थोड़े गुनगुने पानी में जो है इसको भिगोया था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। और बस जल्दी जल्दी से इसके अंदर सीटी लगा के इसको जो है बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 से 7 सीटी में मेरा यहाँ पर 5 से 6 सीटी में राजमा जो है गल। तो जी यहाँ पर हमारा परफेक्टली राजमा जो है कुक हो गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गया। मैं आपको दिखाती हूँ, बस ऐसे ही हमें यहाँ पर राजमा चाहिए था। बस इसका जल्दी जल्दी से अब मसाला जो है तैयार कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया, यहाँ पर 2 टमाटर की प्यूरी बना ली, और यहाँ पर 2 हरी मिर्चें ले ली, और यहाँ हमारा राजमा भी जो है गल गया, इसको मैंने जो है निचोड़ लिया था, और इसके अंदर जो है चम्मच से इसको जो हम थोड़ा सा इस तरह से फोड़ लेंगे, उससे जो हमारी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है आलू भी ऐड कर सकते हैं 1 से 2 अपने हिसाब से, और ना चाहें तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो भाई यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, अब इसके अंदर सबसे पहले हम शामिल कर लेते हैं ज़ीरा। अब इसके अंदर शामिल कर लेंगे फिर। तो जी बस यहाँ पर जो हमने प्याज को जो ऐड कर दिया था, अब हमें इसे यहाँ पर जो है लाइट ब्राउन करनी है, तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पर जो अच्छे तरीके से भून लेंगे प्याज को। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जी अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी इसको जो है हम 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छी तरीके से यहाँ पर हम प्याज को और अच्छी तरीके से यहाँ पर भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है तेज़पात का पत्ता भी जो है ऐड कर दिया था, और बस यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्चें जो है दरदरी से जो इसको पीस के वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों को जो है वैसे ही काट कर ऐड कर दिया था। अच्छा, प्यारी मिर्ची ऐड करने के बाद अब प्याज को हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे, तो बस हमें मज़ीद ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी प्याज, बस इतनी ही हमें प्याज को जो है ब्राउन करनी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने से मसला ये है कि प्याज जो है हमारी और कलर जो है अपने अंदर नहीं लेने की, जैसे कि ज़्यादा ब्राउन हो जाती है पानी डालने से, प्याज जो है हमारी यहीं रुक जाएगी ब्राउन होने से। अच्छा, अब इसमें हम शामिल करेंगे पिसे मसाले। पिसे मसाले में हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अच्छा, मिर्चें भी आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब मसाला डालने के बाद इसको हम जो है 2 से 3 मिनट के लिए चलाएँगे, इसके अंदर हम पानी जो है ऐड कर लेंगे। पानी डालने से जो है मसाले की जो है हमारी जो तली में जो लगेगा मसाला वो नहीं लगने का। पानी डालने के बाद मसाले को हम अच्छी तरीके से जो है भून लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया किसी भी चीज़ की मसाले की भुनाई होना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। अच्छा, मसाला यहाँ पर हमारा अच्छी तरीके से जो है भुन गया। अब इसके अंदर जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी 2 टमाटर की, वो भी हम इसके अंदर जो है ऐड कर लेंगे, और 4 से 5 मिनट के लिए मसाले को हम जो है मज़ीद और अच्छी तरीके से यहाँ पर फिर दोबारा से इसकी हम भुनाई कर लेंगे। बस ये मसाला ऐड टमाटर ऐड करने के बाद भी हम इसके अच्छी तरीके से करेंगे भुनाई, और बस अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। अच्छा, दही का भी मसला ऐसा, अगर आप दही खाना पसंद नहीं करते तो आप यहाँ पर जो है दही को जो है स्किप कर दीजिएगा, वरना तो आप चाहे तो दही अगर आप डाल देंगे तो उससे जो है और अच्छा जो है टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रोगन छोड़ दिया था मसाले ने जो है, अब इसके अंदर हमने दही ऐड कर दी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आप दही ऐड करना नहीं करना चाहते या आप दही खाना पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दही डालने के बाद इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी जो है दही भी छोड़ेगी, उससे जो है हमारा यहाँ पर मसाला जो है थोड़ा सा पतला हो जाएगा।
तो बस इसी वजह से हम मसालों को जो है 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से हम यहाँ पर हम दोबारा से जो है पका लेंगे। अच्छा, हम इन्हें राजमे को भी जो अच्छी तरीके से यहाँ पर जो छान के साफ सुथरा करके रख लिया था, मतलब उसके अंदर जो तेज़ पात थे, जो थोड़ा बहुत अगर मैंने जो गर्म मसाला डाला था वो मैंने इसके अंदर से जो है निकाल लिया था, क्योंकि गर्म मसाला मुँह में आता है, तेज़ पात के पत्ते तो बच्चों को जो है अच्छे नहीं लगते। बस राजमा डालने के बाद इसको जो है हम अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे पानी। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है पानी ऐड कर दीजिएगा, आपको कितनी मतलब इसकी ग्रेवी रखनी है, कितनी पतली रखनी है, कितनी थिक रखनी है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है ग्रेवी कर लीजिएगा, क्योंकि आप रोटी से खाना पसंद करते हैं चावल से, यहाँ तो मैं जो है राजमे के साथ जो है चावल बॉयल करूँगी, तो उससे जो है थोड़े से लीज बीजे से जो है थोड़े थोड़े से जो ढीले से जो है सब्ज़ी अच्छी लगती है चावलों के साथ, एकदम जो है खुशक सब्ज़ी मुझे तो अच्छी नहीं लगती। तो आप जो है बताइएगा आपको किस तरीके की सब्ज़ी अच्छी लगती है, खुशक या थोड़ी ढीली सी अच्छी लगती है। अच्छा, बहुत जो से लोग जो ऐसे होता है मसला कि जैसे दाल वगैरह भी बनाते हैं जो, तो बहुत ज़्यादा ऐसी गाढ़ी सी दाल बनाते हैं जो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती है, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर लगती है। तो जी देखिए यहाँ पर हमारी ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरीके से परफेक्टली कुक हो गई, हमने बिल्कुल तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे इसके अंदर मक्खन, इसके अंदर शामिल करेंगे हम कसूरी मेथी। तो बस यहाँ पर जो हमारा राजमा तैयार हो गया। अगर आप यहाँ पर चाहें तो मक्खन को स्किप करके यहाँ पर जो है क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मक्खन और क्रीम दोनों चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, बिना मक्खन के बिना क्रीम के भी यहाँ पर जो है राजमा आपका बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी और मज़ेदार जो है बन जाएगा, लगेगा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। तो भाई यहाँ पर जो मैंने एक तरफ जो है चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और बस देखिए कितने मज़े के मतलब देखने में अच्छा लग रही है माशाल्लाह राजमा, तो बस ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है आलू भी ऐड कर सकते हैं, वैसे आलू जो है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इस राजमे में, तो मैंने इसलिए स्किप कर दिए थे। तो भाई यहाँ पर हमारे मज़ेदार से राजमा चावल हो गए तैयार। अगर आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली रेसिपी में, अगले व्लॉग में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।